सास ससुर की लड़ाई। मियां बीवी की लड़ाई तो उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकती है, लेकिन बहू के सामने सास ससुर की लड़ाई हो जाए तो ऐसे में बहू का क्या हाल होता है, आइए देखते हैं। कान खोल कर सुन ले बहू, आज से इस घर में भिंडी नहीं बनेगी, अगर बनी तो मेरे लिए कुछ और बनाना। पर क्यों माँ जी, मैंने तो आज भिंडी ही बनाई है, पापा जी को अच्छी जो लगती है। इसीलिए मैं भिंडी नहीं खाऊंगी, समझ रही है? पापा जी को समझा दे, घर में रहना है तो वही खाना होगा जो मुझे पसंद है। तभी वहाँ गुस्से से आग बबूला ससुर आ जाता है। बहू अभी तुरंत, मैं कहता हूँ बिना एक मिनट गवाए ऊपर के कमरे में जाकर सफाई करके आ, मेरा बिस्तर और सामान राज को बोलकर ऊपर रखवा दे, मैं इस औरत की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। बहू बेचारी को समझ में ही नहीं आता कि पहले किचन जाकर कुछ और बनाए या छत पर जाकर कमरा साफ करे। हे भगवान, लड़ाई इन दोनों की, काम मेरा बढ़ गया। बहू सारा काम करके अभी कमरे में गई होती है कि सास की आवाज आ जाती है। अरे बहू कहाँ चले गई? अब तो इस घर में मुझे तेरा ही सहारा है, क्योंकि जिसने 40 साल तक कसमें खाई थी वो तो एक नंबर का लड़ाका निकला। अरे जा जाकर उससे मेरी दवाई ले आ, मेरी दवाई का वक्त हो गया है, लेकिन वो तो यही चाहता है ना कि मैं मर जाऊं ताकि वो दूसरी शादी कर ले। हे भगवान, चलो अब छत की सीढ़ियां नापूं। ईश्वर, मेरे नसीब में तो कमर सीधी करना लिखा ही नहीं है। बहू छत पर जाती है, लेकिन बीच में सीढ़ियों पर ही ससुर जी मिल जाते हैं। देखो बेटा, ये पुड़िया 4 दिनों की बना दी है मैंने तेरा सास की, ऊपर समय भी लिख दिया है और ये भी लिख दिया है कि गर्म पानी से देनी है या ठंडे, तुम बस वक्त पर दे देना वरना मैं भी याद दिला दूंगा, मेरे हाथ से तो वो खाएगी नहीं अब। पापा जी, लगता है आपको दूसरी शादी नहीं करनी। बिटिया मैं तो दूसरी बीवी ले आऊं, तू देख ले दो दो सास को झेल लेगी ना। बहू नीचे आती है और सास को दवा दे देती है, फिर वो पुड़िया देखती है जिसमें हर 1.25 घंटे में दवाई देना होता है। हे भगवान, 2 घंटे की जो नींद होती है वो भी खत्म। शाम को पति आता है तो बहू सारा रोना पति के सामने गा देती है। अब तुम्हें बताओ क्या करूं, दोनों के बीच सारी बातें हो रही है लेकिन मेरे जरिए, अरे एक ग्लास पानी भी लेना होता है तो पहले मेरे जरिए ताना देते हैं और फिर पानी पीते हैं। तो मिलवा दो दोनों को, जैसे ही बात करने लगेंगे तुम्हारा रोल खत्म हो जाएगा। बात तो सही है, चलो कोशिश करके देखती हूँ। बहू सोचती है कि पति का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये आइडिया काम कैसे करेगा, क्योंकि एक तरफ सास जो कि ससुर का चेहरा भी नहीं देखना चाहती और दूसरी तरफ ससुर जो सास के साथ एक कमरे में रहने को बिल्कुल राजी नहीं। तभी बहू को एक आइडिया आता है। वाह जी वाह, क्या आइडिया आया है, लेकिन इससे पहले चेक करना होगा कि उन लोगों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार है भी कि नहीं। माँ जी देखिए ना, पापा जी को रोज जो सब्जी खानी होती है वो काट लेते थे, लेकिन आज तो नीचे उतरे ही नहीं। मैं भी कम नहीं हूँ, कढ़ी बना लेती हूँ दही में बेसन डालकर। सास मन ही मन सोचती है, अरे कढ़ी तो इनको नुकसान करती है, बहू भी ना, अरे ससुर ने एक दिन सब्जी नहीं काटी तो खुद काट लेती, अब अगर वो कढ़ी खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, बोलूंगी तो लगेगा कि क्या करती हूँ उनकी, क्या करूँ। क्या हो गया सासू माँ, आप भी यही सोच रही होंगी ना कि बेचारी बहू की मदद भी नहीं कर सकते, कितना काम करेगी वो अकेली, है ना सासू माँ। हाँ हाँ यही सोच रही थी। वैसे पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि आज भिंडी खाओ, आला धोखे दे दे मैं काट देती हूँ। बहू मन में सोचती है, कल तक भिंडी खाने को तैयार नहीं थी, पता है ना पापा जी को कड़ी नुकसान करेगी तो भिंडी काट दूं। लग गया तुक्का, अब देखो कैसे इन दोनों को एक करती हूँ मैं। सास सब्जी काट कर बहू के सामने आती है कि बहू कहती है, रख दीजिए माँ जी, कल बना दूंगी, आज तो कड़ी बन गई है। ये बोलकर वो कमरे में चली जाती है
और सास उसके पीछे से भिंडी बना देती है। बहू समझ जाती है कि सास ससुर के लिए सब्जी बनाएंगी ही। वो चोरी से सब्जी में नमक ज्यादा डाल देती है, फिर क्या, खाने के टेबल पर सब्जी ससुर जी को देती है। क्या माँ जी, मैंने बना तो ली थी कढ़ी, क्यों परेशान हुई सब्जी बनाने के लिए? वैसे भी मुझे तो लग रहा है कि 4 साल में पहली बार मैं आपके हाथ की सब्जी खाऊंगी। ससुर खाना खा लेते हैं, समझ जाते हैं कि कढ़ी उसे नुकसान करती है, इसलिए बीवी ने उन्हीं के लिए सब्जी बनाई है। वो चुपचाप खाकर कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बहू सब्जी खाती है, छी छी, माँ जी कितना ज्यादा नमक है इसमें। सास बहू की प्लेट से सब्जी चखती है और कहती है, अरे बहू, लगता है मेरे हाथ से नमक ज्यादा पड़ गया, हे भगवान। लेकिन देखिए ना, पापा जी तो बोले ही नहीं कि नमक ज्यादा है। बहू समझ जाती है कि दोनों की तरफ से एक मैसेज तो चला ही गया कि कैर बहुत है, लेकिन झुके कौन। अगले दिन, माँ जी मैं जरा किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी, दिन का खाना बना रखा है, खा लीजिएगा और दवाई भी। पापा जी को बुखार है शायद, तो वो खाना खाने नीचे नहीं आएंगे। बहू चुपचाप चली जाती है। अब क्या था, ऊपर ससुर परेशान कि सास की दवा का वक्त हो रहा है, तो वही सास परेशान कि कैसे पति का बुखार चेक करे। अरे पता नहीं कैसी बहू है, ससुर को बुखार है लेकिन खुद चली गई, क्या पता कौन सा जरूरी काम था। बहू को सिर्फ एक दवाई वक्त से खिलाने का काम दिया है, वो भी नहीं कर रही। आखिर ससुर जी नीचे आ ही जाते हैं कि तभी किचन से कुछ जोर से गिरने की आवाज आती है। अरे गिर तो नहीं गए, कहाँ हो तुम? पति की आवाज सुन सास को लगता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी। अरे बुखार में हो तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? किसा बुखार है, मुझे तो कोई बुखार नहीं है, तुम दवाई खा लो, लाओ मैं देता हूँ। दोनों सास ससुर फिर मिल जाते हैं। बहू शाम को वापस आती है तो ससुर बैठकर सास की पसंद की सब्जी काट रहे होते हैं। तो पापा जी, जल्दी से खाना बना देती हूँ, आपको खाकर ऊपर के कमरे में सोने भी तो जाना है ना। सास ससुर बहू की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं।